हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। उद्देश्य उसे ऐसी हालत में छोड़कर चला गया। माया ने 8 साल पहले जो गलती की थी आज उसकी सजा वह भुगत रही थी, क्योंकि उसने किसी के मासूम दिल को तोड़ दिया था। और उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने उद्देश्य को सिर्फ उसके हालातों के लिए छोड़ा था। वो चाहती तो अपने पेरेंट्स को मना सकती थी। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अपने प्यार के लिए अपने माँ बाप से लड़ जाती हैं, लेकिन माया को अपना ब्राइट फ्यूचर चाहिए था। वो अपनी उंगली के लिए वैसे ही बैठी रही। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने 8 साल पहले उद्देश्य को छोड़कर गलती की है। माया के अंगूठे की बगल वाली उंगली टूटी थी और वो बहुत ही ज़्यादा सूज गई थी। उसकी आंखों में आंसू तो बहुत ही कम थे, वो किसी गहरी सोच में थी। जैसे ही सुबह के 7 बजे कमरे का दरवाज़ा खुला, उद्देश्य अपने हाथों में एक पेपर लेकर अंदर आया। माया उसे देखते ही खड़ी हो गई। उद्देश्य की नज़र माया के हाथ पर गई जो कि सूजा हुआ था। ये पेपर तुम्हारी जिंदगी के हैं, साइन करने के बाद तुम्हारा नाम सिर्फ कुछ महीनों के लिए मुझसे जुड़ जाएगा और फिर मिटा दिया जाएगा। तुम ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने मुझे अपने दिल से मिटा दिया था, उसी तरह तुम्हारा नाम भी मिट जाएगा। और तुमने ये सब सिर्फ कुछ पैसों के लिए किया था ना? माया ने उस पेपर को झटक दिया और बोली, मैंने जो किया अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर किया। कौन सी लड़की चाहती है कि उसका भविष्य उज्जवल ना हो? और तुम्हारा तो कोई भविष्य ही नहीं था। तुम रोज़ एक लड़ाई झगड़ा करके आते थे और तुमने मेरी ज़िंदगी पहले ही उलझा कर रख दी थी। माया फिर से बोलने लगी, लेकिन उद्देश्य ने उसके हाथ में पेन पकड़ाते हुए कहा, हेलो, इसे साइन करो वरना तुम्हारी दोस्त जिया को मार दिया जाएगा। तुमने जिया को, देखो सिद्धार्थ, तुम जिया को कुछ नहीं करोगे, उसकी पहले से ही हेल्थ अच्छी नहीं है। ये सुनकर उद्देश्य ने कहा, मैं जरा सी दया नहीं करता, मैं वो नहीं जिसका नाम तुम बार बार ले रही हो। बोलते हुए उसने माया के हाथ को जोर से दबा दिया जिसकी उंगली टूटी हुई थी। माया ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली। ये दर्द असहनीय था और जब तक वो साइन नहीं करती तब तक उद्देश्य उसकी टूटी हुई उंगली को दबाए जा रहा था। सिद्धार्थ, नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो प्लीज़, पहले ही मेरी उंगली टूट गई है, प्लीज़ छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। वो दर्द से तिलमिला रही थी, लेकिन उद्देश्य ने उसकी उंगली को और ज़ोर से दबाया और कहा, ठीक है तो इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करो, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। इतना सुनने के बाद माया फिर भी अपनी ज़िद पर थी। सिद्धार्थ, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ो मुझे, बर्दाश्त नहीं हो रहा है सिद्धार्थ, प्लीज़। लेकिन उद्देश्य ने उसे और ज़ोर से दबाना शुरू कर दिया। आखिर में झटपटा कर माया ने उस पेपर पर साइन कर दिया तो उद्देश्य ने झटके से अपना हाथ झटक दिया। माया की तो मानो जान हलक में अटक गई हो। माया के सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट पर देखकर उद्देश्य अजीब तरह से मुस्कुराया और उसने माया को वो आखिरी डॉक्यूमेंट दिखाते हुए कहा, ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी पन्ना है जिस पर तुमने साइन किया है। तुम्हारा लाइसेंस हॉस्पिटल में रिसिप्ट पर ले लिया गया है। तुम्हारे ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस चल रहा है और जो कि आज से शुरू होगा। तुम्हारा फ्लैट जिसके लिए तुम इतना स्ट्रगल कर रही थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। तुम्हारी टोटल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने सीज कर दी है और तो और तुम्हारी फेवरेट कार उसे बैंक उठाकर ले कर गया है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ तुमने साइन कर दिए हैं। तुम जब तक कि जिंदा रहोगी तुम मेरे अधीन जियोगी, मेरी कैद में रहकर जियोगी। मैं तुम्हारे साथ जो भी करूँगा तुम उसे झेलोगी खुशी खुशी, चाहे वो मौत हो या ज़िंदगी। इतना कहकर उसने माया को पीछे धकेल दिया और माया सीधा बिस्तर पर जाते हुए गिरी। उद्देश्य न्यूज़पेपर को फोल्ड करके दरवाजे के पास खड़े राज को दे देता है और टिश्यू पेपर से अपने हाथों को पोंछते हुए कहता है, झूठे लोगों को छूकर मैं अपने आप को गंदा नहीं करना चाहता। उद्देश्य का साफ मतलब क्या था इस चीज़ से माया को काफ़ी हर्ट फील हुआ। चाहे वो उसने उसके साथ जो भी किया हो, लेकिन वो कभी उद्देश्य के अलावा किसी और आदमी के साथ नहीं रही थी। उद्देश्य खड़ा बस उसे रोता देख रहा था, उसके आंसू भी उसे शांति नहीं पहुंचा रहे थे। ना जाने उसे क्या चाहिए था उससे। तुमसे बहुत पुराने हिसाब पूरे करने हैं माया, मैं तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि किसी का दिल तोड़ने पर कितनी तकलीफ होती है।
वो मन ही मन सोच रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने माया के पास जाकर उसे बाहों से पकड़ लिया और उसे कमरे के बीचों बीच खड़ा कर दिया। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी सुंदरता पर माया कपूर, तो चलो पहले इसे ही ख़त्म कर देते हैं। बोलते हुए उसने माया के लंबे बालों को कैंची से पूरी तरह खराब करके काट दिया। माया खड़ी थी और अपने बालों को वो बस देखती रह गई। उसने माया के सुंदर नाखूनों को बड़ी ही बेदर्दी से निकाल कर उखाड़ कर फेंक दिया, जिससे माया को असहनीय दर्द हुआ। माया की वो सुंदर कपड़े जिसमें वो अजीब ढंग से जिसे उद्देश्य ने अजीब ढंग से पकड़ा। माया समझ गई थी कि उद्देश्य क्या करने वाला है। वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगी। क्यों, मुझसे क्यों छुपा रही हो? मैं तो बहुत कुछ देखा है तुम्हारे शरीर का, बल्कि एक एक हिस्सा देखा है, तो छुपाने का कोई फायदा नहीं है। बोलते हुए उसने माया के हाथ को हटाकर झटके से उसके कपड़े को खींचकर उसे फाड़ दिया। उसने माया को आईने के सामने खड़ा किया और खुद माया के पीछे खड़ा होकर बोला, देखा तुमने, तुम्हें इतनी खराब करने के बाद भी तुम्हारी सुंदरता में जरा भी फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें तो घमंड है ना इसी शरीर का, इसी चेहरे से तुमने ना जाने कितने आशिक पाले हैं। माया की पलकें झुकी हुई थी। ये सच तो नहीं था, पर वो उसके गुस्से को झेल रही थी। जब पहली बार वो उस दिन उसे टकराई थी तो उसका दिल किया कि वो आगे बढ़कर उसे गले लगा ले और उससे कह दे कि वो आज तक उसे भूल नहीं पाई है, हर दिन कभी ना कभी उसे याद करती थी। उद्देश्य उसके पीछे से उल्टे कदम लेकर कमरे से बाहर निकला और थोड़ी ही देर बाद अपने हाथ में एक खाने की प्लेट लेकर आया। उस खाने को उसने माया के सामने रख दिया और कहा, तुम्हें भूखे तो नहीं रख सकता ना, इसलिए खाओ इसे। माया ने जैसे ही उस प्लेट में अपनी आंसू भरी नज़रों से देखा तो उसका चेहरा बिगड़ गया। उसमें नॉनवेज था। मैं इसे नहीं खा सकती, तुम जानते हो ना मैं नहीं खाती हूँ नॉनवेज। मुझे कुछ नहीं सुनना माया, खाओ इसे। माया उस प्लेट को दूर फेंक देती है और गुस्से से कहती है, मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसी हरकत नहीं की थी, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मारना है तो मार दो, लेकिन इस तरह से नहीं। माया की बात सुनकर उद्देश्य बोला, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी ना माया। इतना बोलते ही वो खड़ा हुआ और उसने तुरंत ही माया के बालों को पीछे से जाकर पकड़ कर उसे घसीटते हुए टूटे हुए प्लेट जो कि ज़मीन पर बिखरी हुई थी, उस खाने को उठाकर उसने माया अपने हाथ में लेकर माया के मुंह में डाल दिया और ज़बरदस्ती उसे खिलाने लगा। माया झटपटाकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उद्देश्य के हाथ बहुत ही सख्त थे। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।